तो उसने हमजा को बिल्कुल लाके नीचे पटक दिए, लाल बत्ती दिखा दी, नहीं करेगी हमजा फिर मार जाएगा बेचारा। अच्छे मर्दों को दिखाए, अच्छे दिखाए ना, कितने कितने बड़े बड़े अच्छे होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अली हैदर, आप देख रहे हैं सिद्धराज डायरी। मैं अली हैदर बता चुका हूँ पहले, ये सिद्धराज अच्छा जी, और हम आपको वेलकम कहते हैं। हुआ ये जनाब कि इस वक्त एक ड्रामा ऐसा है जो कि बीच में बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ, बीच में थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन मुझे अब मज़ा आ रहा है सिद्धराज को देखते हुए, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हो रहा है। इस वाली ये दो एपिसोड आपको पता है, हम भी टॉकिंग अबाउट फितूर का हम रिव्यू कर रहे हैं। अब आपको पता है कि वेनसडे को भी आता है, थर्सडे को भी आता है, दो एपिसोड बैक टू बैक आती हैं। वो बस अलहदा बात है कि जो सेकेंड आती है उसमें आधा टाइम जो होता है वो रिकैप में चला जाता है, लेकिन मज़े का हो गया है। चंगा की कह लो के ट्रिक लबे है, लेकिन है अगर अदर टाइम रीकैप छिपा दे, लेकिन अगर ये ना करे ना तो जो ये ड्रैग होते हैं ना वो होना बंद हो जाए, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन आपकी पूरी होती जाएगी तो कम हो जाएगी। आई थिंक ये भी जल्दी वाइंड अप करना चाह रहे हैं। सो इस वाली एपिसोड के अंदर हमने ये देखा है कि हमजा जो है वो अब तो बस उसको है कि दिलनशीन मिले मुझे किसी भी तरह। दूसरी तरफ जो उसकी बहन है रिदा, उसको पता चल जाता है कि हमजा अभी भी इन टच है और उनका स्टिल अफेयर है, और जो कुछ भी रिदा बीबी जो है उन्होंने खप मचा दी, अपनी माँ को भी बता देती है, वो हमजा को धमकियाँ लगा रही है, वो मैमल के वो दिलनशी के पास पहुँच जाती है। वो अलहदा बात है कि दिलनशी कहती है तुम ही आई थी, एग्जैक्टली तुमने मेरा घर बर्बाद किया था, मैं तो बहुत चिल में रह रही थी, तुम्हें और मैमल को ही पता नहीं क्या मसला हुआ था, तुम दोनों ओवर होके आ गई थी और आके मेरा घर ख़राब किया था, तो अब मेरी मर्जी जो मैं करूँ, तुम लोगों को अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज़ वॉट यू वॉन्टेड ना, कि मैं अपने घर में सेटल ना रहूँ, तो मैं नहीं हूँ, अब मैं खुश हूँ, तुम मैं हमजा के साथ हूँ ना हूँ, तुम कोई नहीं होती बताने वाली। फिर उससे भी घटिया हरकत रिदा बाजी जो है वो चली जाती हैं उसके अपने पेरेंट्स के घर, बड़ी मिर्चाने यहाँ पता नहीं क्यों यार, वाई कांट शी बी हैप्पी फॉर हर ब्रदर। खैर दैट पार्ट हमजा को भी पता चल जाता है, हमजा उसकी करता है इंतहा की बिस्ती, बंदी है, बंदी भी है सही। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो हैदर की एक्सक्यूज मी हैदर की जो मदर हैं वो अब काफ़ी बीमार हो चुकी हुई हैं, हैदर उनको लेके बहुत अपसेट है, बल्कि वो दिलनशीन से कहता भी है कि तुम गई नहीं हो, तो कहती भी मुझे पता नहीं था, मुझे बताते मैमल खेड़ा छाड़ दी तो मैं आंदी ना। वो हैदर थिंक्स उसको पता लग गया है कि इट्स ओवर, हाँ खत्म हो गई है बात, हाँ हैदर को ठीक है अब ये सीधा नहीं होने वाला, जो चार मेरी माँ के साथ थोड़ी सी थोड़े दिन ये बेहतर हो गया, उसे कह रहा है कि जब तक मेरी अम्मी की तबीयत खराब है और सारा कुछ है, जस्ट बी नाइस टू हर, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप इस एपिसोड में देखें ना, आपको ये समझ लगती है कि ये तीनों कैरेक्टर्स दिलनशी, हैदर और हैदर की अम्मी, ये बेसिकली बुरे लोग नहीं हैं, क्योंकि हैदर की माँ भी जो है वो बार 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 इसी बात पे कह रही है कि मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने ऐसा किया, बल्कि वो इससे माफ़ी भी मांगती है। हैदर भी कहीं ना कहीं बुरा इंसान नहीं है, हाँ वो इतना कुछ हो गया, जाहिर सी बात है वो ना एक मोमेंट ऑफ रेज था, हाँ, जिसमें सबने कोई ना कोई बहुत चवल मारी और बहुत लेवल पे बहुत लेवल पे चवल मारी। अपार्ट फ्रॉम मैमल वो वाकई एक बुरा कैरेक्टर है, हाँ, वो बुरा कैरेक्टर दिखाया हाँ, गया है, बट बाकी सब थे वो अच्छे लोग थे, लेकिन होता पता ही है कि शरीफ बंदे को अगर आप दीवार से लगाओगे ना तो एक टाइम आएगा वो जिद में आ जाएगा, और यही हुआ है दिलनशीन। हाँ वो यही हुआ, वहाँ पे हैदर और उसकी अम्मी जो हैं वो थोड़ा बुखला गए, पागल हो गए, दूसरी तरफ दिलनशीन की बस हो गई। मैंने आपको बताया था ना, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कि दिलनशी डजंट लुक हैप्पी व्हाटएवर शी इज डूइंग। हाँ समहाउ कुछ अगर आप उसे करते हो खुश नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है। वो वाला सीन देखा था जिसमें हमजा उससे जब बात कर रहा होता है, उसे कहते जो भी है मुझे ऑब्वियसली, क्योंकि हैदर ने उसको बता दिया कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात करो, लेकिन हमजा से जब बात कर रही होती है तो हमजा उसे कहते हैं कि ये जब आता है ना तो हमें कोई टेंशन नहीं है इसके माँ को, इग्नोर किया करो, इग्नोर करो, कहती है कि ये इस तरह नहीं हो सकता, ये जो रिश्ते हैं इनको बड़े तरीके से हमें डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। और वो कहता है, जब वो उसे कहता है ना कि आई लव यू, तो आगे से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, कहते हैं कह क्यों नहीं रही, और व्हेन शी सेज इट बैक ना, इवन तब भी वो बड़ी अनकम्फर्टेबल होती है, शी वाज़ कन्विंस्ड के उसे ये करना चाहिए। आई थिंक कहीं ना कहीं शी इज इन लव विद हैदर, और हमजा जो है वो उसका रिबाउंड किस्म का चीज है, प्यार नहीं है उसको हमजा से, हमजा उसकी यहाँ पे होने वाली इंसल्ट का रिवेंज है।
exactly वही ना कि वो उसको ना उसको मोहब्बत as a revenge tool यूज कर रही है उसको as a revenge tool उसको खुद भी नहीं पता against the insult that she went through. हाँ और उसको कहीं ना खुद भी नहीं पता इस चीज का कि वो ये क्यों कर रही है. वो उसको लग रहा है कि हाँ बस मैं कर रही हूँ क्योंकि जस्टिफाइड है क्योंकि इन्होंने मेरे से बुरा किया तो मैंने भी बुरा करना है. वो इतनी अनश्योर है इस चीज़ को लेके भी वो बार बार हमजा से कहती है कि अगर मैंने ये कर दिया क्या तो मेरे साथ वो आई थिंक यहाँ पे राइटर अप्लॉज करना चाहिए राइटर को बिकॉज दिखाया गया है कि हाँ जब आप कुछ गलत कर रहे हो और आपका कॉन्शियस जिंदा है तो वो कहीं ना कहीं आपको हिट करता रहेगा कि यार आप गलत कर रहे हो. ये बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया डायरेक्टर ने भी और राइटर ने भी. सो इट इज अ गुड थिंग आई बिलीव. और मुझे ओवरऑल जो एक एस्पेक्ट है कि उसका अनकंफर्टेबल होना अभी भी इस चीज़ को लेके कंफर्टेबल ना होना चाहे वो उसका रिलेशनशिप उसके साथ रह चुका है पास में लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है शी इज स्टिल इन लव विद हैदर एंड शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल गोइंग बैक टू हमजा. दूसरी तरफ एक और अच्छी डिवेलपमेंट हुई है कि अच्छी है कि बुरी है हमें तो नहीं पता. हमजा के लिए तो बुरी है. हमजा की माँ जो है वो उसकी बात सो गई और उसने आके उसको बताया कि हु इज द बॉस. वो कहती है कि बॉस आप जिन चक्रों में है ना आप उससे जरा बाज आ जाएं या तो आप किसी भी लड़की से शादी कर लें किसी भी ABCD को उठा लें मुझे कोई टेंशन नहीं है. दिल नशीन से नहीं करना क्यों क्योंकि ये घर ये कारोबार सब मेरे नाम पर और तुम जो इतना उछल रहे हो ना तुम्हारी यहाँ पे चलने नहीं वाली है. तो उसने हमजा को बिल्कुल ला के नीचे पटक दिए लाल बत्ती दिखा दी है बेटा इधर क्रॉस मत करियो क्रॉस ना करो वरना बच्चे आप जिन पे चीजों पे तड़ रहे हो ना वो आप जाओगे आप उससे महरूम. बिल्कुल. सो नाउ लेट्स सी कि वो क्या करेगा. हम हैदर की जो वालदा है उनको पता चला है कि वो कैंसर उनको है और काफी ज्यादा उनकी तबीयत खराब है. और अब देखने में जो इंटरेस्टिंग बात होगी वो यही होगी कि क्या दिलनशी हैदर को कंसिडर करेगी या वो अपनी उसको जो वो ईगो में आके या रिवेंज में आके कर रही है उसी को कंटिन्यू करेगी. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि दिलनशी जो है वुड यू नो फॉरगेट एवरीथिंग एंड इवन इफ नॉट फॉरगिव लेकिन शी वुड ट्राई टू मूव ऑन विद हर लाइफ. हैदर नाल फिर हैंड हो जाना. दिलनशी विल फॉरगेट एवरीथिंग शी विल बी बैक विद हैदर. चाहता है उसने. हाँ. आपने सुना नहीं था मेमल को कहता है. हाँ. कि लास्ट नेल इन द कॉफिन जो है वो यही लगाएगी मैं नहीं लगाऊंगा. हाँ. मैं इस रिलेशनशिप को खत्म करने. हाँ. वालों में से नहीं. ओके. होऊंगा यही करेगी जो करेगी मैं नहीं करूंगा. नहीं करना नहीं करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी नहीं करेगी. हमजा फिर मार दिया जाएगा बेचारा. हाँ हमजा के हमजा फिर पेंडुलम तरह रख दिया. अच्छा बस मेरा ना सिर्फ एक ये कि काश 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 अगर ये वो थप्पड़ ना दिखाते जो दिलनशी को पड़ा था. क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद चले जी आपने बिस्तियाँ सहली ये कर ली. थप्पड़ खाने के बाद इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अगर एक औरत वापस जा रही है मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं एज ए पर्सन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होंगी उस कॉन्सेप्ट के साथ. मेरी फिर से रिक्वेस्ट है सारे राइटर्स से डायरेक्टर्स से सारी कास्ट से इवन काइंडली डोमेस्टिक वायलेंस को नॉर्मलाइज करना बंद कर दें. इतना कुछ हो रहा है इस वक्त एट द मोमेंट इन आर कंट्री के आप जो मैसेज हैं वो आपकी ये चीज़ें देख के इफ़ेक्ट होते हैं. आप ये टॉक्सिक किस्म के मर्दों को दिखाना बंद कर दें. अच्छे मर्दों को दिखाएं. अच्छे दिखाएं ना कितने कितने बड़े बड़े अच्छे होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं. जैसे आपको याद होगा सबात के अंदर जो मावरा के फादर बने हुए थे दैट वाज सच अ पॉजिटिव एंड गुड कैरेक्टर. क्या आपको होता था यार मेरे अब्बा भी ऐसे होने चाहिए या मेरे अब्बा भी ऐसे ही हस्बैंड जैसे ये हस्बैंड है मेरी अम्मा के साथ जिस तरह के हैं ये हस्बैंड मेरा भी हस्बैंड ऐसे. Yes. होना चाहिए. यानी आप इस तरह के मर्दों को ज़्यादा प्रमोट करें ताकि देखने वाले उस चीज़ से इम्प्रेस हों और उसी चीज़ को अपनाएं. दैट्स ऑल वी कैन से एंड लेट्स सी फितूर में आगे क्या होता है. मज़े का लग रहा है एंड आई थिंक ये जल्दी वाइंड अप करने. Yes, लगे. Yes. इसको ख़त्म करने लगे और बाकी भी नए बहुत से ड्रामे आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे. और अपना ख्याल रखें. स्टे सेफ. की फाइटिंग फॉर द जस्टिस. होप फॉर द बेस्ट. सब कुछ अच्छा जाएगा. सब्सक्राइब करें. इंस्टा पर फॉलो करें. प्यार देते रहें. प्यार फैलाते रहें. सब्सक्राइब कर लें. बाय बाय.